Hello students, this is our new lecture series, and in this series I am going to discuss the properties of the charges. As before I was just teaching you the concept of the property of the charges. It means हम previous topic में अपने properties of the charges पे discuss कर रहे थे और हम उस topic को आगे continue करते हुए ये सीखेंगे कि actually जो properties of the charges होती हैं वो कौन कौन से point हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो उस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इट मीन्स मेरा ये कहना है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट मीन्स अब हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वो एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑल द फ्री चार्जेस आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. इट मीन्स जितने भी फ्री चार्ज होते हैं, ठीक है, फ्री चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन के ड्यूरिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब किसी एक एटम से दूसरे एटम पे होता है तो वहां पे चार्जेस फ्री हो जाते हैं, है ना. एक बाउंड चार्ज होता है, एक फ्री चार्ज होता है, तो हम उस फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. दैट इज एक बेसिक यूनिट जो चार्ज होता है, जो कि आप जानते भी हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है. इंटीजर मल्टीपल की मीनिंग यहां से आपको समझ में आएगी कि अगर हम बात कर लें कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपका जब आइडेंटिफाई किया जाएगा तो आपको उस चार्ज की वैल्यू मिलेगी एन टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, that is q is equal to n into e, where n is called integer having the positive or negative value. ठीक है, अब integer की meaning क्या होती है, है ना. integer की meaning ये है कि हम अपने जो भी charges होंगे जब quantization की बात करेंगे तो वहां पे हम q is equal to n times e जब लिखते हैं तो वहां पे n की value को हम -2 से दिखाएंगे, -1 से दिखा सकते हैं, है ना. n की value को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो n की वैल्यू को यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 भी दिखा सकते हैं, ठीक, -1 भी दिखा सकते हैं, +1 भी दिखा सकते हैं, +2 भी दिखा सकते हैं. ठीक है, इट मींस इसको हमें इंटीग्रल मल्टीपल में लेना है ना. कभी ये नहीं सोचना है कि हम इसको इंटीग्रल मल्टीपल में ना लेके हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते. इट मीन्स 2/2 को हम नहीं ले सकते, 1/2 को नहीं ले सकते, 1/4 को नहीं ले सकते. इट मीन्स हम ऐसे चार्जेस की बात नहीं करेंगे जो कि फ्रैक्शन में होंगे. इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द फ्रैक्शन चार्ज टू ए गिवन सिस्टम. द फ्रैक्शन चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई. इट मीन्स क्या होता है कि जो आपका फैक्ट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का. ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक दूसरा एटम है, अनदर एटम है, ठीक, ये एटम नंबर फर्स्ट है, ये एटम नंबर सेकंड है. अब हम इस एटम नंबर फर्स्ट से एटम नंबर सेकंड में क्या करना चाहते हैं, चार्जेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो होगा क्या कि जब इस फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम में चार्ज ट्रांसफर होगा तो सपोज दैट एक सिंगल चार्ज गया, ठीक है, दैट इज एक चार्ज आपका निकल गया, तो उसमें क्या होगा,
उसकी वैल्यू सिंपली होगी क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? इट मीन जब भी कभी हम बात करेंगे कि एक चार्ज इस एटम से ट्रांसफर हुआ इस एटम नंबर 2 पे, तो जब एक चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और अगर सपोज दैट टू चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर हो गए है ना, वन से लेकर टू पे, हाउ मेनी चार्जेस ट्रांसफर, टू चार्जेस ट्रांसफर हो गए, तो इसका मतलब है हमको इसी को 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम को क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये जो है नया आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिल जाएगा कि कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, इट मीन्स वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। सो दैट्स वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन ए सिंगल वर्ड स्टेट्स दैट द चार्जेस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दैट इज द चार्जेस ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल की बार बार बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, चार्ज को फ्रैक्शन के टर्म में ट्रांसफर नहीं करना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो है क्या करें 5/7 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम -2/3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के चार्जेस को ट्रांसफर हम नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल वाले चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो सबसे मेन पॉइंट हमारे लिए था हमने उस पर डिस्कशन किया, और अब हम टॉपिक को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपका क्वांटाइजेशन पे बेस्ड होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होगा। इसमें क्वेश्चन जो स्टेट कर रहा है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन का है, वो हम लोग स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं कि स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ए ग्लास रॉड टू गिव इट ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 पिको कूलम। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी एटम है मेरे पास, ठीक है, यहां से हम चार्ज को निकाल रहे हैं बाहर, चार्ज को बाहर निकालते गए निकालते गए निकालते गए, बहुत सारे चार्जेस को निकालने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। बाई चार्ज निकालोगे बाहर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो इस एटम के पास क्या आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम उस पॉजिटिव चार्ज को 1 पिको कूलम करना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 पिको कूलम करने के लिए हमको, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वही पूछ रहा है आपसे कि अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं और उस एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो 1 पिको कूलम करना चाहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए ग्लास रॉड टू गिव इट ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 पिको कूलम। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक, इसके सोल्यूशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन क्या है, कि भाई आपका जो यहां पे Q है वो कितना दिया है, +1 पिको कूलम। ठीक है, अब आपको भी पता होगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम आपका होगा, क्योंकि 1 पिको कूलम में 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इट मींस आपको क्या करना है, Q की वैल्यू प्लेस करनी है, E की वैल्यू प्लेस करनी है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट N। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। ठीक है, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। अब आपके पास Q की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास जो आने वाली है वो आएगी 6.25 इंटू
10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि अगर हम 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी दिए गए एटम से बाहर निकाल देंगे तो उसके पास कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, 1 पिको कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स का ये जो पैटर्न होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा।